प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं मेरे वीडियोस सबसे पहले और सब्सक्राइब करें होमस्पन रेसिपीज़ को। हेलो एंड वेलकम टू होमस्पन रेसिपीज़। मैं हूं करिश्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जब भी आप फ़िश बनाएंगे। तो ये है होममेड फ़िश मसाला पाउडर। तो चलिए देखते हैं ये फ़िश मसाला पाउडर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर सूखी मिर्च है, ये बेडगी मिर्च है और ये कश्मीरी मिर्च है। तो बेडगी मिर्च मैंने ली है अराउंड 80 ग्राम और कश्मीरी मिर्च जो है ये मैंने कम ली है क्योंकि ये सिर्फ़ कलर के लिए डालनी है, तो ये मैंने ली है 30 ग्राम के करीब। तो देख लें 70 से 80 ग्राम मैंने बेडगी मिर्ची का लिया है और 30 से 35 ग्राम जो होगी ये लाल कश्मीरी मिर्च है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर खड़ा धनिया है, ये देखें तो ये है करीब 100 ग्राम खड़ा धनिया ये हम लेंगे। और फिर 2 टीस्पून ये मेथी दाना है मेरे पास और 4 से 5 टीस्पून भर कर जीरा है मेरे पास, ये खड़ा जीरा है और ये मेथी दाना है। ये मेरे पास हल्दी है, हल्दी का पाउडर ये 3 चम्मच है, तो 3 चम्मच हल्दी का पाउडर लेंगे। अगर आपके पास खड़ी हल्दी है तो आप करीब 2 इंच का टुकड़ा इसमें कूट कर डाल के साथ में पीस सकते हैं, और ये क्योंकि पाउडर है तो इसे हम मसाला पीस लेने के बाद उसमें मिक्स कर देंगे। 3 चम्मच हल्दी का पाउडर, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो मिर्चियाँ ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं तो उन्हें हम पहले थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद पीसेंगे। अगर आप भूनना नहीं चाहते तो आप इन्हें 2 दिन के लिए धूप दिखा दें तो ये वापस से क्रिस्प हो जाएंगी और तब आप इसे अच्छी तरह से पीस सकते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले मिर्चियों को थोड़ा सा भून लूँगी। ये देखिए सारी जो मिर्चियाँ हैं ये भुन गई हैं और अब मैं धनिया जो है खड़ा धनिया उसको थोड़ा सा भून लूँगी। ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, बस ज़रा सा हम इसे भून लेंगे, बस ज़रा सा ही हमें इसे भूनना है। और ये हो गया है, इसे हम एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए धनिया जो है ये भी अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब हम एक एक करके चीज़ों को पीसना चालू करेंगे। हम मिर्च की जो डंडियां हैं उन्हें तोड़कर अलग कर लेंगे। अभी देखने में तो मिर्च बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन पीसने के बाद ये कम हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि मिर्च बहुत ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है, ये पिसने के बाद कम हो जाएगी। और अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो आप कश्मीरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लें और बेडगी मिर्च की क्वांटिटी कम कर दें। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने मिर्च को पीस लिया है और थोड़ा ही पीसा है ताकि जार में जो है वो जगह बन जाए, और फिर मैं जो धनिया भून कर रखा है हमने वो डाल रही हूँ और साथ ही साथ इसमें डाल रही हूँ जीरा और मेथी दाना। तो ये देखिए फिश मसाला पाउडर जो है ये मैंने पीस लिया है और एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी जो हमारे पास हल्दी रखी हुई है वो, और उसके बाद ये जो फ़िश मसाला पाउडर है ये बनकर तैयार हो जाएगा और आप इसे जब भी फ़िश फ्राई करें यूज़ करें, फ़िश को इस मसाला पाउडर से मैरिनेट करें और फ्राई करें। ये देखिए मैंने हल्दी भी जो है वो मिक्स कर दी है। और आई होप कि आपको मेरी ये जो होममेड फ़िश मसाला पाउडर रेसिपी है ये पसंद आई होगी। तो अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होमस्पन रेसिपी।